Let's see the solution of producer-consumer problem. What is producer-consumer problem? What is the cause of producer-consumer problem? And what are the flaws in producer-consumer problem? इसके लिए आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं जहाँ पे मैंने producer-consumer problem के बारे में fully explain किया हुआ है और कैसे producer-consumer problem occur होती है और क्या उसके problems create होते हैं मतलब inconsistency या loss of data these are the problems that occur in the producer-consumer. यहाँ पे हम उस producer-consumer problem को सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग द बाइनरी सेमाफोर तो लेट्स सी द सॉल्यूशन यहां पे मैंने पूरा कोड नहीं मेंशन किया हुआ पूरा कोड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में डिस्कस किया हुआ है यहां पे हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं कि हमने सेमाफोर के थ्रू इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सो दैट वी कैन अचीव द सिंक्रोनाइजेशन यस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम थी उसको हम यहां पे रिमूव कर रहे हैं बाय यूजिंग द बाइनरी सेमाफोर एज वेल एज द काउंटिंग सेमाफोर यहां पे मैंने काउंटिंग सेमाफोर लिए दो फुल एंड एम्प्टी एम्प्टी मेरे को यहां पे बता रहा है नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स इन द बफर वो बफर जहां पे हम डेटा को प्रोड्यूस करके रखते हैं और जहां से कंज्यूमर डेटा को कंज्यूम करता है या आइटम को कंज्यूम करता है तो नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स मेरा एम्प्टी बता रहा है एंड नंबर ऑफ फिल्ड स्लॉट्स कि कितने स्लॉट्स ऑलरेडी भरे हुए हैं ये मेरे को यहां पे फुल काउंटिंग सेमाफोर बता रहा है और यहां पे एक बाइनरी सेमाफोर लिया है दैट इज एस और उसको इनिशियलाइज्ड किया हमने 1 से दिस इज द कोड ऑफ प्रोड्यूसर देयर आर अदर वैल्यूज आल्सो बट वी आर जस्ट कंसंट्रेट ऑन द सॉल्यूशन कि हमने कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं डाउन ऑफ एम्प्टी डाउन ऑफ एस बफर इन आइटम को हम बफर में डालेंगे इन इज इक्वल टू इन प्लस 1 मोड एन अप ऑफ सेमाफोर एंड अप ऑफ फुल सो लेट्स सॉल्व इट वन बाय वन पहले ये केस देखते हैं लेट्स से कि मेरा यहाँ पे एट ए पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज डाल रखी हैं मतलब 0, 1, 2 स्लॉट में देर आर 3 आइटम्स ए बी सी ऑलरेडी पुट तो यहाँ पे अगर मैं एम्प्टी की बात करूँ सबसे पहले तो एम्प्टी की वैल्यू मेरी यहाँ पे 5 है बिकॉज एम्प्टी क्या है नंबर ऑफ एम्प्टी स्लॉट्स तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं बफर में 8 तो उन 8 में से 3 स्लॉट मेरे भरे हुए हैं तो खाली कितने हैं 5 एंड फुल फुल मींस नंबर ऑफ फिल्ड स्लॉट्स मतलब कितने स्लॉट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं वो मेरे पास 3 हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए कि मेरे एम्प्टी 5 है और फुल 3 वैल्यू है तो अब यहां पे अगर प्रोड्यूसर आता है लेट्स से प्रोड्यूसर आया प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस 1 आइटम तो वो क्या करेगा सबसे पहले आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए डाउन ऑफ एम्प्टी मींस वो एक एम्प्टी स्लॉट को यूज करना चाहता है क्योंकि उसमें वो एक आइटम डालेगा तो एक एम्प्टी स्लॉट को यूज करने के लिए वो सबसे पहले यहां पे डाउन ऑफ एम्प्टी करेगा डाउन ऑफ एम्प्टी करेगा तो वैल्यू क्या होगी यहां पे 4 देन सेकंड इंस्ट्रक्शन जस्ट गिव द नंबरिंग लाइक दिस सेकेंड इज वॉट डाउन ऑफ एस मीन्स बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू को 1 से 0 किया तो अगर मैं एस की वैल्यू को यहां पे लिख देता हूं एस की वैल्यू 1 है तो एस की वैल्यू इनिशियलाइज्ड 1 थी तो 1 से 0 किया सक्सेसफुली वैल्यू को 0 कर दिया तो यानी अंदर आ गया दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ क्रिटिकल सेक्शन जहां पे हम एक्चुअल में कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं आइटम पी को उसने बफर ऑफ इन इज पॉइंटिंग एट 3rd लोकेशन बिकॉज इन यहां पे क्या बताता है कि उस एम्प्टी स्लॉट का एड्रेस जहां पे हम डेटा को या आइटम को पुट कर सकते हैं तो यहां पे मेरे पास स्लॉट की वैल्यू क्या है 3 सो 3 में हमने आइटम पी लेट्स से आइटम नेम इज सम डी तो हमने डी को 3rd वैल्यू में 3rd एड्रेस में डाल दिया एंड इन वैल्यू इज इक्वल टू इन प्लस 1 मोड एन मींस इन वैल्यू को हमने यहां पे 3 थी तो 3 प्लस 1 मोड 8 बिकॉज एन इज वॉट द नंबर ऑफ टोटल स्लॉट्स नंबर ऑफ टोटल स्लॉट्स मेरे 8 है तो क्या आया मेरा 4 मोड 8 दैट इज 4 तो मींस इन की वैल्यू को हम यहां पे 3 से 4 में अपडेट कर देंगे और उसके बाद जब ये कोड मेरा एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद ये एग्जिट कोड है जैसे ये एंट्री सेक्शन का कोड होता है और ये मेरा एग्जिट सेक्शन का कोड है मतलब जब वो बाहर निकलेगा क्रिटिकल सेक्शन से तब वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा क्या एग्जीक्यूट किया अप ऑफ सेमाफोर मींस सेमाफोर की वैल्यू को दोबारा 0 से 1 कर दिया
क्यों किया? बिकॉज हम अदर प्रोसेसेस को यहां पे अपना कोड एग्जीक्यूट करने के लिए चांस दे रहे हैं, मतलब स्कोप बना रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मैं तो अपना काम कर गया और दूसरे की प्रोग्रेस को रोक गया। नहीं, यहां पे हमने प्रोग्रेस को अचीव करना है। तो वो कैसे अचीव करेंगे? ताकि मैं अपना कोड जब एग्जीक्यूट कर गया तो मैं सेमाफोर की वैल्यू को 1 कर दूंगा, सो दैट अदर कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट। अप ऑफ फुल, अप ऑफ फुल किया मींस फुल की वैल्यू को हमने यहां पे 4 कर दिया। 4 मींस यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ फील्ड स्लॉट्स कितने हो गए? 4। तो अगर आप यहां पे कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, एम्प्टी नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं? 4। और फुल कितने हैं? 4। तो 4 प्लस 4 8, और मेरे पास टोटल कितने स्लॉट्स हैं? 8। नाउ कंज्यूमर कम्स, कंज्यूमर आया, कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम वन आइटम फ्रॉम दिस। तो कंज्यूमर कहां से आइटम कंज्यूम करेगा? इसी बफर में से। तो सबसे पहले वो क्या एग्जीक्यूट करेगा? एंट्री सेक्शन का कोड। एंट्री सेक्शन के कोड में हमने दो लाइनें लिखी हैं, डाउन ऑफ फुल, डाउन ऑफ सेमाफोर। मतलब सबसे पहले फुल, कितनी वैल्यूज फुल है? 4। 4 को सबसे पहले हमने डाउन किया, मतलब वैल्यू को हमने फुल को 4 से 3 किया। एंड डाउन ऑफ एस, मतलब सेमाफोर की वैल्यू को हमने यहां पे 1 से दोबारा 0 में कन्वर्ट कर दिया। देन क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, क्रिटिकल सेक्शन में आया बफर ऑफ आउट। व्हाट इज द आउट वैल्यू? आउट वैल्यू 0, मींस जो आउट का पॉइंटर है वो यहां पे पॉइंट आउट कर रहा है। तो हम यहां से जो आइटम है, क्या आइटम है? ए। ए को प्रोड्यूस, ए को कंज्यूम करेंगे, उसको हम आइटम सी जो वेरिएबल है उसमें डाल देंगे। एंड आउट इज इक्वल टू आउट प्लस 1 मोड एन, दैट इज आउट की वैल्यू हम इनिशियलाइज, जो 0 से इनिशियलाइज थी उसको हमने इंक्रीमेंट कर दिया विद 1। मतलब कैसे किया? यहां पे आउट की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1 मोड 8, तो 1 मोड 8 इज व्हाट? 1। तो हमने सिंपली आउट की वैल्यू को 1 कर दिया, बिकॉज एन आइटम इज ऑलरेडी कंज्यूम्ड। एक आइटम यहां से निकल गई है, तो यानी मेरे पास यहां पे नेक्स्ट कंज्यूमर कहां से कंज्यूम करेगा? फ्रॉम 1। तो उसको प्रॉपरली चलाने के लिए हमने आउट को इंक्रीमेंट कर दिया विद 1। नाउ अप ऑफ सेमाफोर, अप ऑफ सेमाफोर मींस हमने सेमाफोर की वैल्यू को दोबारा से फिर 1 कर दिया, बिकॉज इसके बाद अगर प्रोड्यूसर दोबारा आना चाहता है तो उसके लिए हमने स्कोप बना दिया कि यस ही कैन ऑल्सो कम अगेन। नाउ लास्ट पॉइंट इज, दिस इज थर्ड वैल्यू, दिस इज फोर्थ इंस्ट्रक्शन, दिस इज द एग्जिट कोड। अप ऑफ सेमाफोर हमने 0 से 1 कर दिया। अप ऑफ एम्प्टी, एम्प्टी मींस एक एम्प्टी स्लॉट और बढ़ गया, तो एक एम्प्टी स्लॉट अगर और बढ़ गया तो हमने 4 से वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 5 कर दिया, तो कंज्यूमर भी अपनी कंज्यूम करके चला गया। तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा यहां पे कि अगर यहां पे प्रीएम्प्शन नहीं हो रही, मतलब अगर पहले प्रोड्यूसर आ रहा है फिर कंज्यूमर आ रहा है, या आप इसको उल्टा भी चला सकते हो, पहले कंज्यूमर आ रहा है फिर प्रोड्यूसर आ रहा है, विदाउट प्रीएम्प्शन, विदाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। आप देख सकते हो एम्प्टी की वैल्यू अब कितनी है? 5। फुल की वैल्यू कितनी है? 3। तो 5 प्लस 3 दैट इज 8, सो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स मेरे पास 8 है। और अगर आप ध्यान से देखो तो कितने फुल स्लॉट है? 3 फुल स्लॉट है, और कितने एम्प्टी है? 1 2 3 4 5। तो यानी ये मेरा प्रोड्यूसर कंज्यूमर का जो कोड है वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है, अगर हमने अभी तक सिर्फ सीक्वेंशली काम किया, मतलब पहले प्रोड्यूसर आया फिर कंज्यूमर, या आप ये भी ट्राई कर सकते हो पहले कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर। लेकिन अब हम चेक कर रहे हैं एक और एग्जाम्पल जिसमें हम इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम आती है कहाँ आती है? जब प्रोसेसेस कॉन्कुरेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब एक ही टाइम पे जब वो एग्जीक्यूट होते हैं तो उनको सिंक्रोनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही पॉइंट हम यहाँ पे दोबारा से देखेंगे। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अगेन, द वैल्यू इज अगेन इनिशियलाइज, द वैल्यू इज अगेन 3। नाउ Now, let's say empty value is 5 and full is 3. Empty value is 5 and full value is 3. Producer came. Producer आया, उसने सबसे पहले execute किया down of empty, मतलब first line execute की critical section में आने के लिए, ये दो लाइंस उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है। तो डाउन ऑफ एम्प्टी किया, तो यानी एम्प्टी की वैल्यू
5 से 4 कर दी, MT की वैल्यू उसने 5 से 4 कर दी, उसके बाद इस लाइन पे आया। लेकिन अगर वो इस लाइन को अगर एग्जीक्यूट कर दे, मतलब सेमाफोर की वैल्यू जो अगेन इनिशियलाइज्ड विद 1 ही है, अगर वो इसको 1 से 0 कर दे, फिर तो वो अंदर एंटर कर जाएगा, फिर तो ये दोबारा फिर सीक्वेंशियल वाला ही काम हो जाएगा। तो लेट्स ट्राई टू मेक इट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग काइंड ऑफ, मतलब हम इसको प्रीएम्प्ट करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर पहले आया, उसने एमटी को 5 से 4 किया, लेकिन जैसे ही वो डाउन ऑफ एस करने वाला था, जो यहां पे प्रोड्यूसर क्या हो गया, प्रीएम्प्ट, मींस प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर यहां पे स्विच हो गया, और कौन एंटर कर गया, कंज्यूमर, कंज्यूमर कम्स, प्रोड्यूसर यहां पे प्रीएम्प्ट हो गया, कंज्यूमर आ गया। अब जब कंज्यूमर आएगा तो कंज्यूमर ने क्या किया, डाउन ऑफ फुल, डाउन ऑफ फुल मींस उसने फुल की वैल्यू को 3 से 2 कर दिया, फर्स्ट लाइन उसने एग्जीक्यूट की डाउन ऑफ फुल, तो 3 से वैल्यू को क्या कर दिया, 2 कर दिया, डाउन ऑफ एस किया मींस सेमाफोर की वैल्यू को 1 से 0 कर दिया, 1 से 0 किया, अंदर आ गया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, बिकॉज यहां पे जो मेन पॉइंट जो है ना वो डाउन ऑफ एस एक्चुअल में मेन यहां पे पॉइंट है, बिकॉज दोनों में से जो भी सबसे पहले प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में से जो भी सबसे पहले डाउन ऑफ एस करेगा, इस बाइनरी सेमाफोर की वैल्यू को डाउन करेगा, वही सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आएगा, और जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया अब दूसरा नहीं आ सकता। कैसे, लेट्स सी, अगर यहां पे कंज्यूमर आया, कंज्यूमर ने डाउन ऑफ फुल किया, मतलब वैल्यू फुल की 3 से 2 कर दी, एंड डाउन ऑफ एस किया मींस एस की वैल्यू 1 से 0 कर दी, तो कंज्यूमर मेरा कोड के क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। अब उसने क्या करना है, आइटम सी बफर आउट, मींस बफर की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में 0, तो 0 वाली लोकेशन से आइटम को उठाया और उसको यहां पे उसने आइटम में डाल दिया, एंड आउट इज इक्वल टू आउट प्लस 1, मींस आउट की वैल्यू 0 से 1 कर दी, यहां पे अपडेट कर दी। लेट्स सी कि अगर कंज्यूमर इस पॉइंट पे है, क्या प्रोड्यूसर आ सकता है यहां पे, यही प्रॉब्लम थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर में, कि जब एक एक प्रोसेस या प्रोड्यूसर या कंज्यूमर का जब एक प्रोसेस चल रहा होता है, तो इन बिटवीन अगर कोई दूसरा प्रोसेस, लेट्स से कंज्यूमर आ गया उसी टाइम पे और वो एग्जीक्यूट हो गया पूरा, और उसके बीच में अगर प्रोड्यूसर दोबारा आता है, तो ये क्या यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हम इसी चीज को बस रोकना है, अगर लेट्स से कंज्यूमर अभी चल रहा है और इसी बीच सिस्टम दोबारा प्रीएम्प्ट हो गया, अगर दोबारा प्रीएम्प्ट होगा तो आप खुद चेक करो कि यहाँ पे प्रोड्यूसर पहली लाइन को ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है, ये लाइन ऑलरेडी इसने एग्जीक्यूट कर दी है, एमटी को 5 से 4 कर चुका था, लेकिन क्या डाउन ऑफ एस कर पाएगा, नो, बिकॉज एस वैल्यू इज ऑलरेडी 0, अगर एस वैल्यू मतलब सेमाफोर की वैल्यू अगर ऑलरेडी 0 है, तो अगर जैसे ही ये डाउन ऑफ एस करने की कोशिश करेगा, प्रोड्यूसर यहां पे ब्लॉक हो जाएगा, और यही हम कर रहे हैं यहां पे, कि अगर एक रनिंग प्रोसेस चल रहा है, बीच में दूसरा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से दोबारा फिर कंट्रोल अगर पहले के पास आएगा, तो उसको हम यहां पे स्टॉप कर देंगे। तो वही हम यहां पे कर रहे हैं, प्रोड्यूसर को यहां पे स्टॉप कर दिया, कि वो एग्जीक्यूट मतलब फर्दर चल ही ना पाए, क्योंकि अगर वो भी चल गया तो फिर वही प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाली इनकंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहां पे इन केस अगर प्रोड्यूसर आता है तो वो सिंपली ब्लॉक हो जाएगा, तो इसीलिए प्रोड्यूसर नहीं आएगा तो कंज्यूमर ही दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंज्यूमर यहां तक एग्जीक्यूट हो चुका है, उसके बाद इसने अप ऑफ एस मींस दोबारा से एस की वैल्यू को क्या कर दिया, 0 से 1 कर दिया, 0 से 1 कर दिया। हाँ, अब स्कोप है कि अब जो है प्रोड्यूसर यहां पे एग्जीक्यूट हो सकता है, अप ऑफ एमटी, एमटी की वैल्यू को यहां से दोबारा से 5 कर दिया, 4 से 5 में अपडेट कर दिया। नाउ कंज्यूमर पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है यहां पे। अब जब कंज्यूमर एग्जीक्यूट हो गया तो कंट्रोल दोबारा किसके पास आया, प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर के पीसीबी में ऑलरेडी सेव्ड है कि उसने इंस्ट्रक्शन 1 को तो एग्जीक्यूट कर दिया था, तो यानी मेरा कंट्रोल कहां से स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगी, सेकंड नंबर इंस्ट्रक्शन से। ये हमने ऑलरेडी काफी बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डाउन ऑफ एस किया तो यानी एस की वैल्यू को इसने अब 1 से 0 किया, हाँ अब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकता है। कैसे करेगा, बफर ऑफ इन
मतलब आइटम जो इसने प्रोड्यूस करनी थी, लेट्स से उस आइटम का नाम है डी, तो इसने थर्ड लोकेशन में इन कहां पे है, इन की वैल्यू क्या है 3, तो बफर ऑफ 3 में डी डाल दिया, बफर ऑफ 3 में डी डाल दिया. इन इज इक्वल टू इन प्लस 1, व्हाट इज द इन वैल्यू 4, इन वैल्यू यहां पे 4 कर दी, मतलब कंज्यूमर सॉरी प्रोड्यूसर यहां तक आ गया. अब अगर आप चेक करना चाहते हो, चेक करने के लिए आप यहां पे दोबारा चेक कर सकते हो. लेट्स से कि प्रोड्यूसर यहां पे प्रीएम्प्ट हो गया, कंज्यूमर आ गया. अगर अब यहां पे कंज्यूमर आएगा, वो डाउन ऑफ फुल तो कर सकता है, लेकिन डाउन ऑफ एस नहीं कर पाएगा, बिकॉज जैसे ही डाउन ऑफ एस करेगा, एस वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो कंज्यूमर यहां पे ब्लॉक हो जाएगा, तो वो क्रिटिकल सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा. तो यही बस एक छोटा सा पॉइंट है, यही लॉजिक है कि हमने एक जब चल रहा है तो दूसरे को हम एक तरह से स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कॉन्कुरेंसी को हम एक तरह से सीरियलाइजेबिलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग द सेमाफोर्स. तो यहां पे अब प्रोड्यूसर ऑलरेडी इतना चल चुका है, अप ऑफ एस किया, मतलब जब एग्जिट करेगा तो एग्जिट करते टाइम एस की वैल्यू को दोबारा से 0 से 1 कर देगा, एंड अप ऑफ फुल, फुल की वैल्यू को उसने अप कर दिया, मतलब 2 से क्या कर दिया, 3 कर दिया. तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पे व्हाट इज द एम्प्टी वैल्यू, ये एग्जीक्यूट हो चुका पूरा, कंज्यूमर भी एग्जीक्यूट हो चुका. अगर आप यहां पे देखो तो एम्प्टी की वैल्यू क्या है 5, फुल की वैल्यू क्या है यहां पे 3, फुल की वैल्यू यहां पे क्या है 3. तो यानी एक आइटम जो है कंज्यूमर ने कंज्यूम कर ली थी, कौन सी आइटम, जीरोथ लोकेशन में जो पड़ी थी, जीरोथ लोकेशन में पड़ी थी ए, हम यहां से ए को रिमूव करना भूल गए, तो ए को रिमूव कर चुके हैं और आउट की वैल्यू यहां पे 1 पे अपडेट हो चुकी है. तो अगर आप ध्यान से देखो एम्प्टी की वैल्यू क्या है 5 एंड फुल की वैल्यू 3 है, तो टोटल क्या है मेरी वैल्यू 8, मतलब 8 नंबर ऑफ स्लॉट्स है. और अगर आप डायग्राम में भी देखो तो कितने स्लॉट्स भरे हुए हैं, 3 स्लॉट्स भरे हुए हैं, 5 स्लॉट्स मेरे पास यहां पे खाली है. तो दिस इज हाउ एक्चुअली द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम वर्क्स, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बाय यूजिंग द बाइनरी सेमाफोर एज वेल एज द काउंटिंग सेमाफोर. आप इसको म्यूटेक्स मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं या फिर लॉकिंग मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम. थैंक यू.